मैंने आपको बताया था, आज हम बात करेंगे कि जहां और बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, अभी मैं प्रोग्राम कर रही थी उसमें ये भी बात की कि जो भारत से जो वीट का सिलसिला था वो अब उन्होंने अपना फैसला कर लिया कि वो ईरान के थ्रू भेजेंगे, यही नजर आ रहा है। उस तरफ भी हमने देखा कि नहीं, वो भी मूव नहीं आगे चल सका। फिर हम अब ये देख रहे हैं कि एक और खबर जो सामने आई है वो कुछ इस तरीके से है कि अब भारत की तरफ से फ्रांस से उन्होंने ये टॉक किया है या ये कहा है और कंसर्न शो किए हैं कि जो ईयू की तरफ से एक डिफेंस सपोर्ट होती है पाकिस्तान में, इटली की तरफ से जो है हमारा काफी जो है वो इस तरह के हथियारों की हम खरीदारी करते हैं, तो उसके ऊपर अब बैन लगा दिया जाए। और क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त फ्रांस ईयू की प्रेसिडेंसी है उसके पास, तो वो इस सिलसिले में कोशिशें करे, ये बात हुई है। आप इसको सर, एक तरफ ये कि हम देख रहे हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी तो ये है, उनके इश्यूज तो इस तरीके से चल रहे हैं, तो पाकिस्तान इसका किस तरीके से जवाब देगा? आप इस इश्यू को कैसे देख रहे हैं इस तनाजुर में कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इस पर? आलिया, थैंक यू सो मच। मैं इसकी ओपनिंग स्टेटमेंट में, क्योंकि इस फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड और बिल्कुल डायरेक्ट आपने पूछा कि पाकिस्तान किस तरह काउंटर करेगा, तो मैं बजाय इसके कि 74 साल की फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करूं, लेकिन आपके नाजरीन को ये बताना चाहूंगा कि हमारे पिछले 3 सालों में हमारे खास अब करंट एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी क्या है, कितने कामयाब है दुनिया में वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए, या वेयर वी स्टैंड है। अब मैं उसको शुरू करना चाहूंगा कि खान साहब की सबसे पहले बात यह थी कि उन्होंने शुरू किया अपना जो बिगिनिंग थी फॉरेन पॉलिसी का, पहला छक्का उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की स्पीच से लगाया, ट्रंप के साथ मोहब्बत में लगाया, एक सक्सेसफुल टूर का लगाया। पाकिस्तान गए तो उन्होंने कहा जी कि मैं एक दूसरा मैच वर्ल्ड कप जीत गया। उसके बाद दूसरा छक्का उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि हमने टर्की मले यहां से इस्लामोफोबिया का जो वो एक स्पीच देकर गए कश्मीर के हवाले से, दोनों का टर्की मलेशिया के साथ हम मिलकर टीवी चैनल बनाए। साथ ही सऊदी अरेबिया ने जब धमकाया तो उन्होंने चाइना से डेट रिलीफ लेकर चाइना को पैसे वापस किए, और उसी के रिजल्ट में उन्होंने जब उन्हें मोहब्बत बहुत होगी चाइना के साथ तो उन्होंने साथ ही नारा लगा दिया डेफिनेटली नॉट का, हालांकि उन्होंने अड्डे मांगे नहीं थे। हमारे आपके हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब कह चुके हैं कि अड्डे मांगे नहीं थे, खान साहब ने चाइना को खुश करने के लिए वो कर दिया। उसके बाद मोइज यूसुफ साहब को एनएसए मीटिंग में चाइना नहीं भेजा गया। फिर उसके बाद आगे चले तो एयर स्पेस का आर्टिकल आ गया कि एयर स्पेस यूज कर रहा है अमेरिका और साथ कंटीजेंट है कि हमारे इंडिया से आप रिलेशनशिप बेहतर करा दें। उससे आगे चले वेंडी शर्मन आई, वो धमकियां दे गई। उससे आगे चले तो अफगानिस्तान का फाल हुआ, अफगानिस्तान का एक ड्रामा क्रिएट हुआ। उसके बाद हमने वहां पाकिस्तान में सेलिब्रेशने की, उनके झंडे लगाए। उसके बाद लेटली हमने गंदम का एक जो इंडिया ने जाना था तो इंडिया की गंदम 50 टन, उसके ऊपर एक और हमने ब्लंडर किया। ब्लंडर किस लिए किया मैं बताता हूं आप। देखिए, आप अफगानिस्तान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ आप उनको अंडरमाइंड नहीं कर पाएंगे, ना आप करने की सलाहियत रखते हैं। वो कैसे? एक तो उनके $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में, 400 प्रोजेक्ट वहां इंडिया कर रहा है लोगों के दिल जीतने के लिए। उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है वो इंडियन मेड है, वहां की पुलिस की ट्रेनिंग है वो इंडियन मेड है, वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो इंडिया जाते हैं, वहां के एलीट क्लास इलाज कराने जाती है तो वो इंडिया जाती है। उसके बाद आपने 50 टन गंदम नहीं भेजनी थी, ना भेजते, लेकिन निगोशिएट को करना शुरू किया। आपने उन्हें क्यों कहा कि आपकी गंदम को हम बॉर्डर से ला के अपने ट्रकों में डालेंगे और पैसे आप किराया खुद देंगे? तो मेरा मकसद, आपने उसको बड़े बुरे तरीके से पलूट किया। और जो मेरा आपका ओरिजिनल जो एक ऑब्जेक्टिव था कि अफगानिस्तान में इनकी गुडविल इंडिया की ना बढ़ सके, तो वो उन्होंने ईरान की साइड से कर लिया। तो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का एक छोटा सा मैंने आपको प्रीव्यू दिया। अब मैं उसके बाद में आना चाहता हूं फ्रांस के बारे में। ये वही फ्रांस है जहां अभी तक पाकिस्तान का एम्बेसडर मौजूद नहीं है, ये वही फ्रांस है जहां तारिक लबैक पाकिस्तान के लिए आप अभी तक फ्रेंच जो है वो आपसे डर रहे हैं, और ये वही फ्रांस है जिसके पास यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी है। और अब उसके बाद आप जो इटली से आप लेते हैं जो कुछ थोड़ा बहुत, वो आपको अगर को अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे तो दे दे। आपकी डिफेंस इस वक्त अगर चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप ठीक होते तो आपको कुछ भी नहीं मिलना था। आपको चाइना दे रहा है, इंडिया की दुश्मनी में आपको असला दे रहा है, फ्री दे रहा है, जिस तरह भी दे रहा है, यही एक सोर्स है। वरना आपके हालात ये हैं कि आप आईएमएफ में आपको चाइना पैसे देना बंद करता है तो आपके 4-4 मिनिस्टर वाशिंगटन डीसी में आके
आईएमएफ के सामने दरवाजे के बैठ जाते हैं। आप फिर चाहे इनके आपने ऊपर आपने एक और तड़का लगाया, आपने इनकी डेमोक्रेटिक सेमट में भी नहीं आए। उसके बाद मेरा मकसद आपके हालात, आपका सीबैक बंद पड़ा है, अगले महीने इमरान खान साहब उसको मिंथन करने जा रहे हैं चाइना में कि हमारे साथ कुछ करें। तो इन हालात में जब पाकिस्तान से अल अमान की आवाजें उठ रही हैं, आप सलाहियत रखते हैं कि आप असला खरीदें अगर इटली और फ्रांस आपको बेचना चाहते भी हो तो? आप यहां पे, मेरा मकसद आपकी, मैंने हमेशा कही थी पाकिस्तान की फार्म, अब उसमें मैं सपोर्टिंग आर्गूमेंट दूंगा आपकी, मैंने हमेशा ये कहा है कि आपकी हर पॉलिसी, नॉट ओनली फॉरेन पॉलिसी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी और हर चीज डॉलर बेस्ड रही है। आपकी इशराफिया को डॉलर चाहिए अपने बच्चों को वेस्ट में पढ़ाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टियां बनाने के लिए। आईएमएफ का 22वां प्रोग्राम है, 21 प्रोग्रामों में आपने क्या कर लिया पाकिस्तान में? आपने आपका अभी जो हमारे जो रियासत मदीना के ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर है, इनकी कैबिनेट का एक बंदा अगले दिन फ्रांस में आया, उसने कहा मुझे माइग्रेन हुई है तो मैं फ्रांस में डॉक्टर से मिलने आया। आपने 22 आईएमएफ के प्रोग्रामों में एक ऐसा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में नहीं बनाया जहां आपके वजीर अपना इलाज करा सके। तो अगर आपके ये हालात हैं इंटरनल, आप अच्छा, मैं उसमें जो आखिरी उसमें क्लोजिंग आर्गूमेंट में ये कहूंगा कि मैं ये कहता था कि आपकी हर पॉलिसी डॉलर बेस है, अगले दिन मोईज यूसुफ साहब ने आके उसको सर्टिफाई कर दिया। उन्होंने कहा है कि जब आप लोगों से, आप दुनिया से कर्जे लेंगे तो आपकी फॉरेन पॉलिसी को उनका इन्फ्लुएंस होगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, नेचुरल है, ऑबवियस है ये कि जब आप आईएमएफ से के सामने 1 बिलियन के लिए आप सर नगू होके बैठे हैं तो आपकी, आपका स्टेट बैंक जाहिर है वो ही चलाएंगे। आपके शौकत तरीन साहब की डेफिनेशन देख लें, आप अपने गवर्नर स्टेट बैंक की डेफिनेशन देख लें, आपकी दूसरी सारी पॉलिसीज देख लें, तो वही इन्फ्लुएंस होगा जहां से पैसे आएंगे। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी ये है, और असला लेने की सलाहियत मैंने आपको बता दी है कि जब आपके वजीर आजम सब खुद ने कहा है कि हमारी इकॉनमी इस वक्त हमारी नेशनल थ्रेट बन चुकी है, असला किस चीज से लेंगे आप? मैं कहता हूं ठीक है चाइना, मैं बल्कि समझ रहा हूं इंडिया वेस्टिंग देयर टाइम, जब पाकिस्तान असला खरीदने की सलाहियत नहीं रखता तो बैन किस चीज का लगवा रहे हैं अभी? वो जिस तरीके, हाँ बैन तो तब लगेगा, लगवा दे बैन का क्या फायदा? अगर चाइना की इंडिया के साथ दुश्मनी रहा हो तो आपको वो तैयारी देगा, आपके ऊपर आपसे लबी डबी होगा वो, जब उन्हें भी पता है कि आप डबल गेम खेलते हैं। आप एक एक हफ्ते में कभी अमेरिका के लॉबी में चले जाते हैं, एक हफ्ते में आप सीपैक बंद कर देते हैं। ये इन हालात में मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो वो चाइना जो मर्जी, जो इंडिया जाके फ्रांस से कहे, इटली से कहे, वो बंद करें ना करें, ये सब इज यूजलेस। आज जो आपका, जो आपका पाकिस्तानी पिस रहा है, पाकिस्तान के एवरेज शहरी की इनकम 16,000 उसकी तनख्वाह है 16,000। अखलाकियात के जनाजे उठ रहे हैं डेली बेसिस पे, वो किस तरह सियालकोट में जिंदा इंसान आप जला के सेल्फियां बनाते हैं, और आप मरी 50 किलोमीटर दूर हमारे वॉइस राय सो रहे थे, वहां पे एक 8 किलोमीटर के अंदर कारें गाड़ियां कब्रें बन गई, अखलाकियात के जनाजे उठे हैं। और मैं गारंटी कर देता हूं कि इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होगा। 36 घंटे के बाद आप मरी को भूल जाएंगे अगर कोई दूसरा हादसा ना हुआ तो। अगर क्योंकि आपने मरी की बात कर दी तो इसमें भी आपसे बात नहीं हुई थी, यकीनन आप जो कहना चाहते हैं वो भी कहिए, लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं, जो भी आप ये कह रहे थे कि वजीर आजम साहब ने आज भी जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, और साथ में जो शौकत तरीन साहब है उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट बैंक है वो पाकिस्तान के ही कंट्रोल में रहेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, सारा जो हमने देख लिया है तो पाकिस्तान के कंट्रोल में ही रहेगा, हमारा ही उसके ऊपर ऑर्डर चलेगा। मेरा इस पे मैं जवाब ये देना चाहूंगा, जब शौकत तरीन साहब को पूछे वो कहां से आए हैं, वो कितने बड़े लीडर हैं, कितनी सीटें जीते हैं, कितने वोट लेकर आए हैं, वो तो खुद मुलाजम है इनके अमेरिकन से। जब आप खुद अमेरिका के कंट्रोल में है तो गवर्नर किस, स्टेट बैंक किस तरह कंट्रोल में आ जाएगा पाकिस्तान के? ये तो एक दुनिया के लिए, ये इन्होंने इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया। मरी के ऊपर सिर्फ 2 इतराज़ात, में ज्यादा इतराज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत बोला जा चुका है, सिर्फ 2 इतराज मेरे पर्सनल ये थे। खान साहब के एडवाइजर को ऐसे है, या तो वो पता नहीं, बहुत ही उनके बुरे हालात हैं। एक तो खान साहब की ट्वीट मैं शॉक था कि जिसमें उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग की है, उन्होंने कहा कि लोग वहां पे गए क्यों हैं, जिंदा इंसान जला दिया जाए सियालकोट में, कहते हैं सोसाइटी का प्रॉब्लम है, और उसी तरीके से खान साहब ने कह दिया कि बंदे लोग वहां गए क्यों थे। इतना भी नहीं इनको पता कि जब लोग शॉक में ट्रामा में होते हैं वो अपने अपने मरे हुए लोगों को कसूरवार को ठहराएंगे? अब दूसरा जिनको नौरतन, इनके जो सबसे बड़े वसीम अकरम साहब हैं,
वो वॉयसरॉय साहब जहाज से आए हैं और मैं हैरान हूं कि लोगों की डेक के ऊपर सियासत की उन्होंने उन्होंने मरी को आगे जिला डिक्लेयर किया और दो नए थानों का ऐलान किया। पर यार ये आप उसमें बाद में नहीं कर सकते थे? आज लोगों के घरों में सेलों में पार्टियां पड़ी हो तो आप उनसे आपने बलदियाती इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर दी उस पर, कि आपने कहा कि जिला देंगे और दो थाने बनाएंगे यहाँ पे, आप अगले ट्रिप पे ये कर लेते, इस ट्रिप पे करना जरूरी था, आप गले मिलते लोगों को जाके जिनके लवाकिन मर गए। लेकिन उसमें ये था कि मैंने कहा कि हमारा हम लोग इम्यून हो चुके हैं इन चीजों से। हम अब मैं और आलिया आप और मैं जो बातें कर रहे हैं कुछ भी इसमें नया नहीं है। ये हर इंसान के हाथ में फोन मौजूद है, स्मार्टफोन, हर बंदे को पता है कि लूटा जा रहा है और बेदर्दी के साथ लूटा जा रहा है। दुख की बात यह है कि 22 करोड़ लोग एक बहुत बड़ी जेल के अंदर है, वोट डालते किसको है, जाते किसको है, मर रहे हैं लोग, लोगों को पता कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन कोई कहते नो रिलीफ इन साइट। मेरा क्वेश्चन मार्क है, कौन आजाद, हमें कौन बचाएगा, हमें पहले ये नजर आते थे हमारे जो मदीना की रियासत के जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, पहले इन पे लोगों ने उम्मीदें लगाई मैं शामिल हूं उसमें, आज कौन सा इंस्टीट्यूशन, इनको वो कहते हैं कि एक पेज वाले भी उन्होंने वो भी खत्म कर दिया काम, पहले लोग उनको देखते थे। अच्छा, उसके बाद मरी के बारे में छोटी सी बात कर रहा था, वो या के वो बचाना, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है उसमें भी वो लेट आए हैं, कहते फौज ने आके बचाया, वो तो कैंट के बिल्कुल वो तो बिल्कुल कैंट दो छौड़ियां उसके साथ है, पहले उन्होंने क्यों नहीं उन लोगों की जाने बचाई, मान ली बात, अगर उन्होंने आके बचाना चाहिए था तो सबसे पहले इन्हें चाहिए था कि जो इनकी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका 500 मिलियन रुपीज का बजट है साल का, 51 उसके ऑफिसर है, उसको सुबह उठते ही खत्म कर देना चाहिए था उसका कोई अमल दखल नहीं। और पाकिस्तान में जितना सबसे बड़ा बाहर से पैसा जाता है, चाहे जलजले में जाए चाहे जिस चीज में जाए, सबसे ज्यादा फ्रॉड वो करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट वाले। 40 अरब रुपया अभी तक कोविड के फ्रॉड में से नहीं पकड़ा गया जो वजीर आजम साहब के फंड, तो उसका क्या फायदा है? और जो मशीनरी सारी पड़ी थी उसे कहते हैं उसमें वो अब्बासी साहब आपके पुराने वजीर आजम साहब जो वो पब्लिक में आके कह चुके हैं कि वो लोगों ने उनसे पूछा उसमें डीजल ही नहीं था। लेकिन एक भी मुझे क्वेश्चन एक भी इस्तीफा आया, एक भी बंदे को अकाउंटेबल बनाया गया, वो ही एक पिछले 70 साल का ड्रामा है। कमीशन बन गया है, कमेटियां बन गई हैं, वजीर आजम साहब ने एक्शन ले लिया है, वजीर आला ने एक्शन ले लिया है, यार एक्चुअली ये अब लोग नहीं सुनना चाहते मेरी जान, ये लोग इसको ही देखिए कि चले इतना तो होता था कि अगर फेलियर, बेशक कई मरतबा ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट का हुआ, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका फेलियर है, लेकिन कम से कम ये तो होता कि आकर सदमे का इजहार किया जाता, लोगों के साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया जाता, आंसू चंद बहा लिए जाते, कोई बात नहीं बेशक नकली ही लेकिन कुछ तो होता है। हमें तो ऐसा मतलब वो लगता है जैसे हवा में उड़ा दिया, मजाक उड़ाया जा, ऐसी स्टेटमेंट्स हैं कि लगता है कि मजाक उड़ाया जा रहा है। ये तो एक ऐसा मौजू था मरी का कि इसके ऊपर तो सिर्फ आप इसको यहीं तक रखें और आप इसके ऊपर लोगों के साथ सॉलिडारिटी का इजहार करें, लेकिन ऐसा भी कुछ नजर नहीं आया। तो कमीशन की तो बात बहुत, फिर उसका क्या फायदा होगा? इस वक्त लोग जान चुके, लोग अब इनकी बातें ना सुन रहे हैं ना इनको तवज्जो दे रहे हैं। पाकिस्तान हैज बिकम अ लीडरलेस एंड हैविंग एन एपेटाइट फॉर लीडरशिप। अब वो गैप जो है वो पता नहीं अब किसने फिल करना है। दूसरे साले सारे भी चले हुए कारतूस हैं, लोग मायूस हैं, उनकी भी हिस्ट्रियां मौजूद हैं, केसेस मौजूद हैं। और इस वक्त मैं बता रहा हूं कि अगर मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठ के सारा कुछ देखने के बावजूद कोई रिलीफ नजर नहीं आती कि कौन सा इंस्टीट्यूशन हमें बचाएगा, इस मुसीबत से कौन हमें लेके निकलेगा। हमारे 22 IMF के प्रोग्राम है, $1 बिलियन के लिए आपने मुल्क सारे का सारा भेज दिया और वो डॉलर पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो सिर्फ अशराफिया के बच्चों के लिए लिए जाते हैं और वो ले उनके लिए लेके वो कर रहे हैं सारा कुछ सबको। और खान साहब ने खुद कन्फेशन किए हैं कि माफिया चला रहा है और मेरे कंट्रोल में नहीं है चीजें, मुझे अच्छी टीम नहीं मिली है, मेरा ये किया है वो किया है। लेकिन इस वक्त अब जवाब भी बनता था इन सारी चीजों के बाद, अब पाकिस्तान के इन हालात को मजीद ड्रैग किया जाए। जो भी इस वक्त डिसीजन मेकर है मुझे समझ नहीं आती, मुझे तो लगता है मेरी तरह वो भी मायूस है, उन्हें भी कुछ नजर नहीं आ रहा अब इस वक्त हालात तो ये चल रहे। अच्छा साजिद तार साहब, जिस तरह हमने ये बात की तो अब जहां पर मोहित यूसुफ साहब अगर ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसी है, जिस तरह आपने कहा कि हम अभी भी जो है वो अमेरिका के अंडर ही नजर आ रहे हैं, गो के ये इससे पहले बहुत कुछ और भी कहते रहे, लेकिन जो हम वापस उसकी तरफ लौटते हैं कि फर्ज कीजिए कि अगर इस तरह होता है, और क्योंकि अब फ्रांस जो है उसे तो आपको पता है कि यहाँ पे तो TLP के जुलूस जलसे निकलते रहे उनके खिलाफ,
तो वो तो ऑलरेडी उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो मूव है इसको फिर वो आगे लेकर चलेंगे और वाकई ऐसा कुछ हो जाएगा कि इस तरह को कोई बैन लग सकता है पाकिस्तान के खिलाफ और कोई ऐसी तहरीक चल सकती है वहां पे कि ठीक है ऐसे ही किया जाए? उसके मैं अमेरिका के करंट सिचुएशन बताना चाहूंगा कि एक तो इस वक्त पाकिस्तान की इनको टाइम मिला हुआ था, उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर इस वक्त आपने सियासी क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस। इस वक्त जो वीक तीन अमेरिकन प्रेसिडेंट बैठा है उसको उनको पॉपुलैरिटी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है अवाम का, और दूसरा पेंटागन स्ट्रॉन्ग आर्मी डेमोक्रेट पार्टी का एजेंडा ही नहीं होता। इस वक्त ओबामा दौर की फॉरेन पॉलिसी चल रही है, ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी इसमें। इनको चाहिए था कोई कैचअप करते, कोई अमेरिका के साथ रिलेशनशिप में करते या कुछ और मजीद कर लेते। अमेरिका ने इनके खिलाफ सख्त स्टैंड नहीं लेना था, नहीं लेने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन उसके पाकिस्तान के एक इम्तिहान आएगा, वो ये आने वाला है कि या मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन जीतेंगे और 2024 में अगर जब रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आता है तो वो जो 22 सेनेटर्स जिन्होंने अफगानिस्तान रिलेटेड एक बिल पेश किया था, एक तो पाकिस्तान को उसका जवाब देना पड़ेगा, फ्यूचर में आगे क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, और दूसरा उसके बाद वो जब क्लैरिफिकेशन होंगी फिर एक विंडो खुलेगी कि पाकिस्तान शायद एक अमेरिका के साथ गुड बुक्स में आए, कुछ चीजें करें। अबे अभी अगर आपने हालात देखने हैं तो एक ओबामा दौर की फॉरेन पॉलिसी देख लें कि क्या थी पाकिस्तान पे अटैक, कितने ड्रोन अटैक हुए। दूसरा वेंडी शर्मन, वेंडी शर्मन कौन थी? वेंडी शर्मन टोनी अब हमारे जो सेक्रेटरी स्टेट है टोनी ब्लिंकन उनके नीचे काम करती है, उनकी कॉन्फिडेंट है, और जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए इंडिया में, उन्होंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग पाकिस्तान, अमेरिका इज नॉट इंटरेस्टेड इन ओपनिंग रिलेशनशिप विंडो फॉर विद पाकिस्तान, और दूसरा उन्होंने सिर्फ आके लिमिटेड बात की थी, एयर स्पेस एयर अड्डों के लिए बातें की है। पाकिस्तान सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान को खुद नहीं पता कि वो किस ग्रुप में जाना चाहता है, क्योंकि वो सिर्फ इस वक्त अपने नंबर वन प्रायोरिटी पाकिस्तान इकोनॉमिक चीजें हैं कि वो रिलीफ हमें कहां से आती, वो रिलीफ जहां से भी आएगी पाकिस्तान उस साइड पे जाएगा। इन्होंने चाइना के दरवाजे भी खटखटाए हैं, IMF के दरवाजे पर भी बैठे हैं, बल्कि रिसेंट में बात बताना चाहूंगा कि इस ट्यूजडे को आपका जो IMF का पैकेज था उसको रिव्यू करना था, IMF ने उन्होंने डिले कर दिया, उन्होंने हफ्ता 10 दिन और उसको डिले कर दिया। ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि वो भी देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप चाइना की तरफ भी देख रहे हैं और कई चीजें हो रही हैं, लेकिन आप इस वक्त आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब इस वक्त रोमानिया में बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक कंट्री का नंबर वन प्रायोरिटी इकोनॉमिक चीजें हो और करप्शन को रोके बगैर, जब खान साहब ने खुद एडमिट किया था 10 से 12 अरब रुपया डेली बेस पे पाकिस्तान में करप्शन होती है, तो खान साहब उस करप्शन को रोकने में किस हद तक कामयाब हुए? डॉलर फिर भी आ जाएंगे बाहर से, लेकिन वो डॉलर रुक नहीं सकेंगे पाकिस्तान। सर मिनी बजट भी आ रहे हैं, मिनी बजट भी आने लगा। मिनी बजट तो मजबूरी थी ना IMF की देना, और मैं बल्कि इस मिनी बजट को ये कहूंगा कि जब भी आप पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ाते हैं वो मिनी बजट होता है, और उसके बाद अभी तो कौम पे सख्ती ये आएगी कि 2 अरब रुपए के नए टैक्सेस और 3 पॉइंट कुछ अरब के जो सब्सिडीज की उसको खत्म कर रहे हैं। एक फ्लड आएगा, अभी एक तूफान आएगा महंगाई का, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या सर्कमस्टांसिस होंगे। मैंने अगले दिन किसी जगह बैठे हुए डिफाइन कर रहा था कि पाकिस्तान का एक छोटा सा खाका पेश करने की कोशिश की थी, वो ये थी कि देखिए जो कारोबारी लोग हैं वो तो अपनी चीजें महंगी करके वो फौरन कैचअप कर जाते हैं अपने प्रॉफिट इंक्रीज करके, जो रिश्वत लेते हैं वो अपने रिश्वत का रेट बढ़ा देते हैं, जो रिश्वत देने और ना लेने की सलाहियत नहीं रखते वो फिर क्राइम वाली साइड पे जाते हैं। और खास अब जिस तरह ज्यादा हजरत उमर की मिसालें देते हैं, हजरत उमर के दौर में जब कहत पड़ा था तो वहां पे चोरी की सजा मुअत्तल कर दी गई थी। इस वक्त आपके इस मिनी बजट के बाद हालात वही आने वाले हैं, आपकी मिडिल क्लास गुर्बत से नीचे जा चुकी है, उन पे चोरी हलाल होने वाली है, तो ये हालात इस साइड पे जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात कि इस्लामाबाद में आपके किसी अशराफिया के माथे पे बल भी नहीं, क्योंकि उनकी इनकम डॉलर्स में है, उनकी आमदनी पाउंड में है, उनके बच्चे फॉरेन सिटीजन हैं, वन वे टिकट उनकी जेब में है, वो क्यों सोचेंगे पाकिस्तान के? ये आपका टोटल मैंने खुलासा पेश किया, ये आपके हालात हैं। अब उसमें से पाकिस्तान में से आपको इस मुसीबत में से को पाकिस्तानी ही बचा सकता है, फॉरेन नेशनल आपको नहीं बचा सकते, आपके लंदन का कैपिटल आपको नहीं बचा सकेगा, कोई इस्लामाबाद में ही मर्द मोमन होगा जो बचाएगा,
लेकिन वो मुझे अभी अभी वो उसका कोई इशारा नजर नहीं आ रहा। अभी तक तो अंधेरा ही अंधेरा है और हवाओं का रुख सख्त सख्त गर्म हवाओं का रुख इस वक्त पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि मिनी बजट महंगाई, आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिल्कुल ना होने के बराबर, करप्शन जो है उसको उसके ऊपर देखें अकाउंटेबिलिटी जीरो, 0%। तो इन हालात में आप देखें आपको रिलीफ किस साइड से आएगी, कोई रिलीफ आने का मुझे, मेरे लिए भी क्वेश्चन मार्क है, आई एम स्टिल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर आपको भी आलिया कहीं दो तीन टॉपिक्स पे बात करनी है, पहली बात तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ साहब ने ये कहा है कि जी अमेरिका का हमारी फॉरेन पॉलिसी पे बड़ा असर रसूख है और हम कुछ भी नहीं है, अमेरिका माई बाप है। इधर से इमरान खान कहते हैं कि एब्सोल्युटली नो, हम तो करते ही नहीं। दूसरा उन्होंने कह दिया जनाब के अड्डे जो है वो हमने दिए नहीं है, पिछली दफा कह रहे थे अड्डे उन्होंने मांगे नहीं है, तो ये समझ नहीं लग रही कि ये एनएसए साहब क्या कह रहे हैं। दूसरा आपसे बात करनी है कि इंडिया और ईरान, ये जो अफगानिस्तान में एक नया गठजोड़ बनेगा और पाकिस्तान ने क्या ये अपॉर्चुनिटी जाया कर दी है कि इंडिया को रास्ता ना देके। और तीसरा ये मरी के वाकये के हवाले से भी बैड गवर्नेंस के इशू के ऊपर। सर सबसे पहले ये बताइए कि ये मोहित यूसुफ ने जो कहा है आप इसको किस तरह देखते हैं कि क्या वाकई आज 75 साल हो गए हैं हमारे सियासतदान हमसे झूठी बोलते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आजाद है और ये सिर्फ चेस्ट थंपिंग और ये नारे मारना कि जी हम एब्सोल्युटली नो तो कुछ भी नहीं है, अमेरिका की क्या मजाल है, हम तो वहां डेमोक्रेसी समिट पे नहीं गए। तो आप इस सिनेरियो को किस तरह देखते हैं वॉशिंगटन डीसी में बैठ के? चीमा साहब मुगीज यूसुफ साहब ने बिल्कुल सही कहा और मैं समझता हूँ कि उन्होंने चंद जो अच्छी बातें अब तक की उनमें से एक अच्छी बात यह है, मैं एग्री करूंगा इससे कि और बिल्कुल ये प्रिंसिपल है। देखिए आप जिसका खाते हैं अल्टीमेटली फिर उसी की बातें करनी है आपकी। मैं हमेशा ये बताने की कोशिश की कि आपकी नॉट सिर्फ फॉरेन पॉलिसी, आपकी हर पॉलिसी डॉलर पॉलिसी, मकसद ये है कि जहां से पैसा आएगा आप उसके साथ होते हैं, वो चाइना से आए आप सीपैक आता रहा तो आप उनके गीत गाते रहे, आप पहले अमेरिका में अमेरिका से कंटेनर जाते रहे डॉलरों में तो आप अमेरिका की ऑलमोस्ट एक स्टेट ही बने रहे काफी अरसा। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा कि मोहित यूसुफ साहब ने बिल्कुल सच बोला है, आप जिसका खाते हैं आप किस तरह नमक हरामी कर लेंगे। और दूसरा उसमें बात कहूंगा इनके मैंने इंटरव्यू जिसकी आप बात कर रहे हैं, दर हकीकत उन्होंने इसमें कहने की कोशिश की है कि हम वी आर ओपन टू, अड्डे भी देंगे लेकिन कोई बात तो करो ना जी, डॉलर दिखाओ हमें, तो ये एयर स्पेस तो पहले यूज कर रहे हैं वो आपके पूछे बगैर ही, और इसका कई दफा सीएनएन ने भी बता चुके हैं वो आपके ना बताए हुए भी आपने कहा था कि कंटिजेंट विद इंडियन रिलेशनशिप हमारी मदद करें इंडिया से रिलेशनशिप बेहतर करने की। दर हकीकत आपकी कोई पॉलिसी भी, आपकी हर पॉलिसी इज मनी रिलेटेड, आप जहां से आपको कुछ 4 पैसों की तवक्को होती है आप उनके गीत गाते हैं, आपकी एक तो जब कर्जा, और एक अंडरस्टूड सी बात है, कर्जा मांगने वाला जो बंदा होता है या कंट्री होता है उस वो किस हद तक आजाद होता है, वो बिल्कुल आजाद नहीं होता। आप ये देखें 22 प्रोग्राम आपने IMF के किए हैं, अब किस तरीके IMF इज कंट्रोल्ड बाई अमेरिका, वर्ल्ड बैंक इज फंडेड बाई अमेरिका और देयर एलाइज, तो आप किस तरह इनके प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करेंगे और आपकी फॉरेन पॉलिसी इनके इनके इन्फ्लुएंस से आजाद होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है जो मोहित यूसुफ साहब ने की है, लोग करते नहीं थे, डरते करते नहीं थे, ये बात उन्होंने मैं समझता हूँ हौसला किया है क्योंकि उनके पास ग्रीन कार्ड है मेरा ख्याल, इसलिए उन्होंने हौसला किया है इस बात वो कर गए हैं कि उन्हें पता है कि उनके पास 1-way टिकट मौजूद है, अगर उनको मसला बना तो वापस आ जाएंगे और उनको जॉब भी मिल जाएगी, वरना पाकिस्तानी पासपोर्टों पे इस तरह की बातें कहाँ होती, पॉसिबल ही नहीं, कर ही कोई नहीं सकता बात कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के नीचे नीचे ही रहेगी आपकी, बल्कि डिफेंस पॉलिसी भी अमेरिका के नीचे ही रहेगी आपके। आप 16 के पार्ट कहां से लेंगे, आप चाइना से लेंगे, आप अखरादी के तो नहीं बनाएंगे ना आप 16 के पार्ट आपके, तो वो आपकी जितने टैंक हैं आपकी जितनी आर्मामेंट आपको जो अफगान रशिया दौर में दिया गया है दे आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड हेयर, दे आर ऑल मेड हेयर, आपके सारे आर्मी जनरल जो है वो सारे ट्रेंड हेयर, आपकी ब्यूरोक्रेसी सारी यहां से आगे मास्टर डिग्रियां लेके जाती है, आपके इस वक्त ज्यादातर जो लोग हैं यूएस एड के स्कॉलरशिप में पड़े हुए हैं, अब किस तरह उनसे जान छुड़ा लेंगे, आप छलांग मार के चाइना के कैंप में चले जाएंगे, आपको डॉलर नजर आते हैं वो आपके बिल्कुल वो आप वहां से पैसे लेते हैं। और मैं अगले दिन हैरान हो गया था, बल्कि चीमा साहब मैं ये ऐड करना चाहूंगा अपनी तशवीश कि चाइना जब कर्जे देता है वो हुकूमतों को नहीं देता, वो उनके जो आपके हुकूमत चलाने वाले होते हैं वो ऐसे ऐसे लोन दे जाते हैं वो जो आप वो सामने बड़े
मुबहम छुपे हुए तरीकों से वो ऐसे लोन दे के जकड़ लेते हैं, इसको कहते हैं प्रेडेटोरी लैंडिंग। और प्रेडेटोरी लैंडिंग में चाइना मास्टर है। जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका को ट्रैप किया, जिस तरीके से वो अफ्रीकन कंट्रीज को ट्रैप कर रहे हैं, और माशाल्लाह आपका भी अब कंपैरिजन तो नाइजर और सोमालिया के साथ होता है, और आप बिल्कुल उसी तरीके में जा रहे हैं। आपको वो डॉलर जरा दिखाते हैं तो आप फौरन उनके पास चले जाते हैं, हमालिया बना लेते हैं, अब हमारी दोस्ती हमालिया है। जब उधर से कोई थप्पड़ पड़ता है तो IMF के पास आपके चार चार वजीर एक एक महीने में आके हड्डियां रगड़ते हैं यहाँ पे आके। तो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी। और मोइन साहब मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कुछ थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि हवा में इतना ना उड़ो, ये एब्सोल्युटली नॉट, ये नारे ना मारो। और खासकर सबक सीखने वालों ने ये नहीं सीखा कि उन्होंने जिन लोगों ने आप कहते रहे हैं आप TTP के साथ बैठे रहे हैं, आपने जश्न मनाए हैं, आपने झंडे लगाए हैं, उन्होंने बाड़े उखाड़ की आपके साइड में फेंकी है। फॉरन पॉलिसी आपकी धज्जियां उड़ा दी है, आपकी सॉवरेंटी को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है, आपकी आपके इंटरनेशनल बॉर्डर को डिनाई कर दिया है, और आप कहते हैं आप फॉरेन पॉलिसी से इनसे डील करेंगे। आपके मैंने हमेशा ये कहता रहा हूं कि आपके लोग डिसीजन मेकर जो है उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। आपके वहां पे 1500-2000 लोग ऐसे हैं जिनकी जेब में हर वक्त 1-way टिकट मौजूद होता है और उनकी आमदन डॉलर्स और पाउंड में है, उनका पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी ने बात की है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने आपको चैलेंज ओपन किया है, आपकी बाड़ उखाड़ के आपकी सॉवरेंटी को चैलेंज किया है। किसी ने कोई दलेराना बयान दिया हो, किसी ने कहा हो, आज भी आपके लोग बैठ के बात करते हैं कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान, इनमें बड़ा फर्क है, हालांकि वो एक ही चीज के दो रुख है, उनकी एलिजेंस है, उन्होंने बैत की है उनके ऊपर, उनके वो एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है। लेकिन आप बिल्कुल एक ऐसी गलतफहमी में, या शायद आपको पता है लेकिन कौम को आप मिसलीड करते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी, अफसोस के साथ आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, आपकी कोई भी पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है, आपकी कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो, कोई भी पॉलिसी। मैं ये सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा हूं चीमा साहब, मेरे साथ कोई बंदा डिबेट कर ले, मैं डिबेट पे भी जाने, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आई एम लॉयर बाय प्रोफेशन बाय एजुकेशन, मैं बगैर रेफरेंस के बात नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं रेफरेंस के साथ प्रूव करूंगा कि ये आज की बात नहीं है, ये रियासत मदीना के ठेकेदारों की बात नहीं कर रहा हूं, 74 साल से बात ऐसी हो रही है, 74 साल से चंद इंटरेस्ट। मैं बल्कि पिछले लोगों को देखता हूं, मेरे पांव के नीचे जमीन गुजर रहा है, गुलाम मोहम्मद, आपके भोगरा साहब, आपके सिकंदर मिर्जा साहब, अयूब खान साहब, उनकी जाति चीजों के बारे में जब चीजें पढ़ी जाती है, हिस्टोरिकली पढ़ी जाती है, मेरे पांव के नीचे जमीन नहीं गुजर जाती कि इस तरीके से अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के इस मुल्क के साथ दरिंदों वाला सलूक किया गया है, और माजी में और अभी भी हो रहा है। मुल्क तो सारा बैरियर टाउन बन चुका है आपका, तो इसमें पॉलिसियां किस चीज की पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी की बात कर, फॉरन पॉलिसी किस चीज, फॉरन पॉलिसी तब होती है कि आपके खाने में आप खुद इंडिपेंडेंट हो, आपकी इकोनॉमी खड़ी हो, आप खुद अपना बजट बना रहे हो, बजट बनाते हैं आपके IMF वाले। आप मुझे ये बताएं मिनी बजट दिया गया, क्यों दिया गया IMF को खुश करने के लिए, तो पॉलिसी किस तरह अपनी बना लेंगे वो। और लेकिन मेरा मसला ये है, प्रॉब्लम इशू ये है चीमा साहब, 22वां प्रोग्राम IMF का, पहले 21 प्रोग्राम हुए तो वो किधर गए, वो पैसे किधर गए, ये पूछने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई ना कोई बताने के लिए तैयार। एक ग्रैंड अलायंस है, एक बहुत बड़ा अलायंस है पाकिस्तान में हर इंस्टीट्यूशन का, सिर्फ डाका मारना, लूटना और निकलना किस तरह यहां से, ये दैट इज पीरियड, दैट इज द ओनली पॉलिसी ऑफ एवरी पर्सन हु इज रूलिंग और डिसीजन मेकर इन पाकिस्तान, दैट इज द ओनली पॉलिसी। मैं अब यहां पर नाम नहीं लेना चाहता जिन लोगों के किन किन के बच्चे फॉरेन नेशनल है और जिनकी प्रॉपर्टियां बाहर है, लेकिन सारे मेरे फिंगर टिप्स पे। लेकिन ये कि वो कहते जाने ना जाने गुली न, जाने ना जाने बाकी ना जाने बाकी, तो सारा हर एक इंसान को पता है क्या हो रहा है, हर एक बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है, सुबह खबर निकलती है। ये मैं अगला जिस तरह आप टॉपिक बात कर रहे थे, जिस तरह अगला हम बात कर रहे थे, ये मरी में जो हुआ आपकी सोसाइटी का बहुत बड़ा टेस्ट, 8 किलोमीटर के एक पीस के अंदर दुनिया मरी है जिनके हाथों में सेलफोन थे, और मैं गारंटी कर देता हूं 3 दिन बाद इसके मुख पूछेगा भी नहीं कि मरी में क्या हुआ, कोई भी, क्योंकि यहां पर एक ह्यूमन देखे, वो भी 3 दिन मैंने इसलिए कहा कि इसके दरमियान में अल्लाह ना करे कोई और खबर आ जाए, अगर इसके अंदर और खबर आ जाए तो एक दिन में खत्म हो जाएगी खबर ही।
लेकिन इस पे मैं जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था चीमा साहब, मैं चल हादसा तो होते रहते, दो चीजों पे बहुत ज्यादा अफसोस था। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए जो बहुत मंझे हुए रियासते मदीना के जो ठेकेदार हैं, जिनके हाथ में तस्बीह होती है, उन्होंने विक्टिम बैशिंग की, उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग की। इनके एडवाइजर किधर है कि इस वक्त मरने वाले लोहाकीन ये नहीं सुनना चाहते कि हमारे मरने वाले का कसूर था। इनको ये भी नहीं पता है एक सिंपल सी चीज, आप एक बंदा मरीज मर्द अपने मौत के बेड पे पड़ा हो तो आप उसको जाकर कहते हैं तू चीनी नहीं सी खानी, तू सारी उम्र कैंडियां खाता रहे तामर लगे। अब वो ये सुनना चाहता है, एक बेसिक सिंपल सी बात। और आपने कहा कि ये ऊपर क्यों गए थे, और बिल्कुल इसी तरह कहा है कि जब कसूर की बच्चियां रेप हो तो कह देते हैं सोसाइटी का प्रॉब्लम। सियालकोट में बंदा जिंदा जला के सेल्फियां बनाई तो सोसाइटी पे ब्लेम, लेकिन आप किस मर्ज की दुआ है अभी? आप तब्दीली की बत्ती क्यों लेके फिर रहे हैं यहां पे लोगों को दिखा रहे हैं आप क्या? मेरे पास आप लीडरशिप किस चीज को कहते हैं फिर? और तीसरी दूसरा अफसोस ये, मैं देखिए इस मरी के टॉपिक में बहुत बातें हो चुकी हैं, बल्कि मैं तो यही कहूंगा ये करबला का दूसरा मंजर था, क्योंकि लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा था। और जिस तरीके से वो दौड़े हैं होटलों के कमरों के लिए और उन्होंने अपने होटलों के रेट बढ़ाए हैं, लोगों की गाड़ियां कमरे बन गई जब, तो फिर मैं कहने पर मजबूर हूं कि आज भी करबला जिंदा है। देखे पानी पीने तक भी नहीं दिया, कमरे नहीं दिए, हीट नहीं दी, खाने को नहीं दिया कुछ भी। और 50 मील दूर इस्लामाबाद से लोग पैदल चल के आते हैं। मैं सारी जिंदगी इस्लामाबाद रहा हूं, मेरे सारे यार दोस्त मरी के थे, ये सड़कें बनने से पहले मरी वो पैदल पिंडी आके ग्रोसरी करते थे अपने साथ, इतने फासले फोन बजते रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद में शहर इस्लामाबाद वो कहते हैं ना वॉइस राइस हो रहा था वहां। लेकिन इस दूसरा इस पे जो मुझे सबसे ज्यादा मसला ये था पर्सनली कि सेकंड इन कमांड आए हमारे दूसरे नौरत्न जो आए चीफ मिनिस्टर साहब लाहौर से उड़ के आए जहाज में, उन्होंने बजाय आके इस हादसे को कवर करते उन्होंने आके यहाँ पे अपना बलदियाती कंपेन शुरू बलदियाती इलेक्शन कंपेन शुरू कर दी, मरी को डिस्ट्रिक्ट बना दिया, दो थाने बनाने की वो ऐलान कर चले। और खुदा का नाम है एक हफ्ता वेट कर लेते यार इस बात, ये दूसरे ट्रिप पे भी किया जा सकता था, लेकिन आपने वही किया जो आप कर सकते हैं, जिसकी सलाहियत आप रखते हैं। कोई मुझे ये नहीं समझ आती कि इनके एडवाइजर कौन है, इनको बताते नहीं है कि यार सूदिंग क्या होती है। एक एक आप मिजरी से घूर रहे हो, आपका बच्चे मर गए हो, और नुबीद एएसआई के 8 बंदे मर गए यार उसके, उसको उसको क्या फर्क पड़ेगा आज जिला मरी जिला हो या ना हो, वहां पर 2 थाने बने हो या ना हो। आप उसके बच्चों पर उसकी बीवी को आके कहेंगे मैं मरी को जिला बनाने आया, आप उसके बड़े बच्चे को कहेंगे यार कि मैं 2 थाने नए बना रहा हूं, आपका अखलाकी फर्ज बनता था। उसके गले लग के रोते आप, कहते नहीं यार बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है। मजा तो तब आता कोई 1-2 इस्तीफा दे देता रियासते मदीना का ठेकेदार, लेकिन वो क्योंकि वो है ही नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है। सजा जजा जिस सोसाइटी से खत्म हो जाए चीमा साहब उसमें क्या होता है? मैं यहां पे ये मेंशन करना चाहूंगा कि मैं बड़े अरसे से ये सोचता हूं चीमा साहब, मैं उमरा करने जब भी गया हूं सऊदी अरेबिया, मैंने सबसे ज्यादा इबादत करते हुए लोग देखे पाकिस्तानी। लेकिन आज साथ जो दूसरा फिक्रा कहूंगा बड़ा सख्त फिक्रा है, वो ये है कि मैं हमेशा ये सोचता हूं कि अल्लाह ताला इस इतने लोगों की ना दुआ सुन रहा है ना बददुआ सुन रहा है, क्योंकि वो आधी दुआएं मांगते होंगे आधी बददुआएं मांगते होंगे जो पाकिस्तान में उनके साथ हो रहा है, लेकिन खुदा की जात ने मुंह ही फेर लिया है, मुंह फेर लिया। जब ये करेंगे 8 किलोमीटर के अंदर बच्चे मरे और फिर उनकी गाड़ियों के देखे ना, हर बंदे ने उस पर प्रोग्राम किया है, दरवाजे खोल खोल के डेड बॉडियां दिखाई हैं, और इसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। ये मेरा मैं इस पर ज्यादा क्योंकि इसमें बहुत प्रोग्राम हो चुके हैं चीमा साहब, इसके ऊपर बहुत बोला जा चुका है, लेकिन मैं ये 2 एतराजात, एक वजीर आजम साहब पे था कि उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग क्यों की है, और हमारे जो दूसरे वसीम अकरम साहब से एतराज था कि मरी जिला बाद में भी बन सकता था, थाने भी 2 बाद में बन सकते थे, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए थी। ये 2 इतराजात थे, और तीसरा इतराज ये था कि 3 दिन के बाद मरी भी भूल जाएंगे आप, सियालकोट भी भूल जाएंगे आप, नए एक हादसे का इंतजार करेंगे, ये एक अलमिया है। इससे हमने कुछ नहीं सीखना, ना सीखा है ना सीखेंगे, ये इतराज है। और चीमा साहब एग्जैक्टली इन वजूहात की वजह से मैं 36 साल पहले अमेरिका आया था, 36 साल कि इंसान की जिंदगी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हम सारे आशिक रसूल हैं लेकिन एक गिलास दूध खालस नहीं मिलता उस मुल्क के अंदर।
हम सारे आज के रसूल हैं, लेकिन वहां पे हमने 8 किलोमीटर के अंदर हमने 23 बंदे मार दिए। हम मुसलमान हैं सारे, बहुत सख्त मुसलमान हैं, हम बरेलवी भी हैं, हम देवबंदी भी हैं, हम वहाबी भी हैं, हम सुन्नी भी हैं, लेकिन हम अच्छे मुसलमान नहीं। ये मेरा एक ट्रेंड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो 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 चीज हम सेल करते हैं, जो बात करते हैं, वो हमें है नहीं है जो हमें करनी चाहिए थी। और ये मरी के वाक्य से भी हमें पता चला, और ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अच्छा तारड़ साहब, जो आपसे इम्पोर्टेंट अगली बात करनी है वो ये है कि भारत ने और ईरान ने एक बड़ा जो है वो प्लान तैयार किया है। मैं तो समझूंगा कि हमने शायद एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है कि ईरान ने ऑफर किया है इंडिया को कि जो आटा आपने पाकिस्तान के रास्ते भेजना था, लेकिन आप 2 महीने निगोशिएशन चलती रही लेकिन वो ना हो सका, तो अब वो जो है वो वाया आप तेहरान भेजें। इससे पहले उन्होंने मेरा ख्याल है कोई कोविड वैक्सीन भी वाया तेहरान भेजी है। तो टेक्निकली तो ईरान ने पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में कम करने के लिए ये काम किया। दूसरा यह है कि इंडिया ये समझता है कि जो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी शिया लॉबी है जो समझती है कि इंडिया और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो ठीक होने चाहिए, और क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को सर्कल करें। अफगानिस्तान पहले ही आपको पता है वहां पे कुछ नहीं है, चाइना के साथ हमारी कैपेसिटी नहीं है, सीपैक की वजह से बजाय इसके जो फायदे होते वो नाराज बैठे हैं, और भी प्राइम मिनिस्टर अगले महीने जा रहे हैं उनको मनाने, इंडिया से वैसे मामलात खराब है। तो आप इस सारे प्रोसेस सिनेरियो को कैसे देखते हैं जो ईरान ने बेसिकली इंडिया को ऑफर किया कि आटा वो वाया तेहरान भेजे, गो के उनको महंगा पड़ेगा क्योंकि वो बाय एयर फ्लो करेगा, तो ये जो पाकिस्तान ने क्या एक अपॉर्चुनिटी मिस की है जिससे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो थे वो कहीं हद तक नॉर्मल भी शायद हो सकते थे, या क्या आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया को ये ऑफर ही नहीं करना चाह रहा था और ये चाहता ही नहीं था कि ये इंडिया जो है वो ये हमारा रास्ता इस्तेमाल कर सके। जब ये बातें शुरू हुई 50 टन गंदम यहाँ से अफगानिस्तान जाएगी, पहली शर्त इन्होंने या तो फिर रिफ्यूज कर दो, ब्लंटली कह दो नहीं जी हम नहीं करेंगे, हमारा सिक्योरिटी मैटर, देखें निगोशिएट करने में, मैं देखें किस तरह हमारे ये जो लोग निगोशिएट किस तरह करते हैं पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल। इन्होंने कहा जी कि आप ट्रक लेकर आएंगे, आपके ट्रकों से गंदम उतरेगी वाघा बॉर्डर पे, उधर बॉर्डर पे उतरेगी, फिर हमारे ट्रक लेके उनको अफगानिस्तान जाएंगे और उन ट्रकों का खर्चा आप खुद देंगे। अब ये वो मुल्क है जो निगोशिएट करने जिन्होंने ऑफर किया है, जो सारी दुनिया को बुला बुला के मिनतें कर रहा है कि आओ इनकी मदद करो, ये भूख से मर रहे हैं, वहां पे इंसानी एक बहुत बड़ा अलमिया होने वाला है, उसको बचाया जाए और वू विल बी द डायरेक्ट विक्टिम। ये वो मुल्क जो है वो आगे से ही रखते हैं इस तरह ही कर रहे हैं। आप ये ना देखें कि वो गंदम हिंदू है या सिख है या वो कौन सी है, और यार गंदम जा रही है या खुद दे दो, अगर नहीं देने की सलाहियत रखते तो दूसरों के क्यों रोक रहे हो भाई। अच्छा फिर आपने ये पहले निगोशिएशन ये शुरू की है कि हमारे अपने ट्रक लेकर जाएंगे, हम भी पैसे बनाएंगे उसमें से, हो सकता है ये गंदम बेचे जा इंडिया की गंदम, क्या पता बेच देते अपनी गंदम, तो आपको पता है ना जिस तरह से हर चीज सब्सिडी पे बेची जाती है, चीज पाकिस्तान में गोदाम में पड़ी होती है, कागजों में अफगानिस्तान चली जाती है, सब्सिडी ले ले जाती है, ये कोई ढका छुपी बात नहीं है, हर बंदे को पता है पाकिस्तान में पहले इस तरह हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर। अच्छा दूसरी बात ये मैं करना चाहूंगा चीमा साहब, ईरान के रिलेशनशिप इंडिया के साथ पहले ही बहुत बेहतर है, उन्होंने अपनी पूरी एक उन्होंने आपको पता है वो अपनी एक चाबा उन्होंने लीज पे दी हुई थी अपनी एक बंदरगाह, उनके साथ उनके रिलेशनशिप पहले ही बहुत बेहतर है। मैं यहां पे ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि इंडिया के रिलेशनशिप अफगानिस्तान के साथ भी आपसे बेहतर है, वो पूछे किस तरह, उनके बच्चे अफगानी सारे वहां पढ़ने जाते हैं, आप इलाज कराना सारा वो अफगानिस्तान जाते हैं, उनकी पुलिस को ट्रेन करता है तो इंडिया करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी कौमी असेंबली की बिल्डिंग इंडिया ने बना के दी है, आपके साथ रिलेशनशिप अफगानिस्तान के आज किधर खड़े हैं, आपकी बाढ़ उखाड़ के उन्होंने कहा कि वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस बॉर्डर लाइन, आपके रिलेशनशिप ये है, बल्कि मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से OIC या माली इमदाद के लिए और तस्लीम करने के लिए अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उन्होंने छोटा बच्चा अपना तरीके तालिबान पाकिस्तान रखा हुआ है, वो उसको यूज करेंगे आपके साथ, आपको ब्लैकमेल करेंगे उस तरीके से। लेकिन आप मैंने बताया कि आपके
आपके जो वॉइस राइज हैं उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है, वो सारे ब्रिटेन और सारे कैनेडियन हैं, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है ये, बल्कि जो आपने गंदम वाली बात की ये ब्लंडर था, आप पाकिस्तान की गुडविल को मजीद डैमेज हुआ है उससे। आप एक फिक्रा शुरू में कह देते नहीं जी हम नहीं कर सकते इसको, इतना जो आपने ड्रैग किया है, आपने जितने बुरे तरीके से नेगोशिएट किया है, आपका चेहरा असली दोबारा कौम को सारी दुनिया को नजर आता नजर आ रहा है कि आप किस तरीके से चीजों को पलूट कर देते हैं और किस तरीके से अपना उसमें से कोई कोई इस तरह का एक अपना एक, मुझे तो कोई नजर नहीं आता कि इसमें से कोई इनका कोई इंटरेस्ट था कोई इनमें, हम इस तरह करेंगे तो पाकिस्तान की गुडविल बेहतर हो जाएगी, इसमें से मुझे तो कुछ भी। हाँ लेकिन ये है कि ईरान का इन्फ्लुएंस पहले भी इंडिया के साथ बहुत बेहतर था, ईरान जो है पहले भी अपना पेट्रोल बेचता रहा इंडिया को, उनका उनके साथ रिलेशनशिप पहले भी बहुत बेहतर था, आज भी बेहतर है। अफगानिस्तान में वो मेरे ख्याल में इंडियन जो है अपना इन्फ्लुएंस मजीद फिर दोबारा अफगानिस्तान में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा वो 50 टन इंडिया को गंदम देने की बात कर रहे हैं, हम भूखे बैठे हैं, हम कर्जे लेने की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंस है हम दोनों में। तो देख लें दुनिया में किसकी गुडविल बेहतर होगी, उसी की होगी जो देने की सलाहियत रखता है। तो जो हर वक्त आपके कपड़े फाड़ रहा हो, आपसे मांग रहा हो सुबह शाम, तो उसके साथ फिर आपकी दुनिया के रिलेशनशिप क्या होगी, ये दुनिया आपको किस नजर से देखेगी, आपको कितनी रिस्पेक्ट देगी, हो तो वो रिस्पेक्ट आप ले रहे हैं पूरी दुनिया से। वो जिस तरीके से आपको बता आप खुद ही बता रहे थे, खास आप जा रहे हैं चाइना मनाने जा रहे हैं, मनाने क्या जाना है, वो तो पैसे मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी नाराजगी क्या है कि वो आप उनसे पैसे बना रहे हैं, उनके उन्होंने वो वर्ल्ड वन वर्ल्ड वन रोड वन बेल्ट जो इनिशिएटिव था आप उसमें से पैसे बनाए, मिल्किंग की आपने उसमें से भी, तो उनको एतराज तो यही है कि आप उस एक तो वो प्रोजेक्ट स्लो चल रहा है और आप दूसरा ये कि उसके इसलिए स्लो चल रहा है क्योंकि आप उसमें से पैसे बना रहे हैं, तो यही एतराज इसी तरह किस्म। क्योंकि अच्छा सबसे बड़ी बात तो ये ना चीमा साहब, इस वक्त चाइना और वेस्ट का आपके बारे में ओपिनियन क्या है, आप मशहूर हो चुके हैं पूरी दुनिया में डबल गेम करने के लिए, अब वो चाइना वाले भी देखते हैं कि जरा थोड़ा सा अमेरिका डॉलर दिखाता है तो आप उधर चले जाते हैं, आपका उनके साथ रिलेशनशिप भी सिर्फ पैसा बेस है, आप उनसे पैसे लेके सऊदियों को दे देते हैं, सऊदियों से पैसे लेके उधर कर देते हैं, आप ये आपका इमेज तो पूरी दुनिया में ये है कि आप डबल गेमर है, आप मुखलस किसी के साथ भी नहीं है, आप जो भी करते हैं तो आप ड्रोन अटैक भी करते रहो हम मुजम्मत भी करते रहे, आपकी पॉलिसी ये है हमेशा हर गवर्नमेंट। मुझे तो मेरे लिए लम्हा फिक्रिया इस वक्त एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ये है चीमा साहब, हमारा आगे मुस्तकबिल क्या है, हमने एक ऐसा रियासत मदीना का ठेकेदार तो ट्राई कर लिया वो तो नहीं चला, अब आगे हमारा क्या मुस्तकबिल है, आगे हमें कौन रेस्क्यू करेगा, कोई इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में बचा है जो इतनी गुडविल रखता हो जो हमें बचा सके, कोई इस तरह की विल रखता हो, वो लीडर कहां से लाएंगे, वो इस तरह एक नया चेहरा कहां से आएगा, वो एक जो पाकिस्तान को बचाएगा, एक नए ट्रक की बत्ती अब किस तरह से, मुझे पता है इस वक्त जो पाकिस्तान के ठेकेदार हैं जो सारे बैठे हैं वो यही सोच रहे हैं अब नए ट्रक की बत्ती ढूंढ रहे हैं, कौन सी बत्ती दिखाएं इनको कि जिनके पीछे पाकिस्तान को लगाया जाए, लेकिन ये इस वक्त पूरा पाकिस्तान कंफ्यूज है, मायूस है, और वो कहते हैं ना कि वो बेचारे डिप्रेस, मैं खुद डिप्रेस हूं यहाँ वाशिंगटन डीसी में, अपने मादरे मिल्लत की देखता हूँ हालात जिस तरीके से सिसक सिसक के, मेरा मकसद है कि आप किस तरीके से IMF के पाओ में पड़े हुए हैं, किस तरह मिनी बजट दे रहे हैं, किस तरह आप चाइना को मनाने मिलते तरले करने जा रहे हैं, किस तरीके से आपका कर्ज की आपकी रेशो इतनी बढ़ चुकी है कि आपके हालात किस साइड से कहां जा रहे हैं, करप्शन खान साहब ने कहा था मुझे आज तक मैं उसका आखिरी अब ये बात करना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि 10 से 12 अरब रुपए की करप्शन डेली बेस पे होती है, मैं सिर्फ ये रोक लूंगा तो हमें तो बाहर के कर्जे चाहिए, वो खास आपको वो याद या तो उनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, तो यहां फिर मेरा मकसद इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो मैं कोई मेरे समय से बाहर है कि ये चीजें क्या हो रही हैं, उनको कोई अच्छा फिर पैक कह देते उनको लाने वाले, और लाने वाले भी तो पाकिस्तानी ही यार, वो कौन से फ्रेंच थे, वही सोच लें कि अब आगे हम किधर जाएंगे, अब 180 डॉलर आगे कहां जाएगा, अब क्या चाहते क्या, मुझे तो ये नहीं समझ आती, सिर्फ यही बता दें हम चाहते क्या है। इस पे भी ना सिर्फ मैं कंफ्यूज हूँ, वाशिंगटन डीसी भी कंफ्यूज है, नर्वस बेचारा, वो भी कोई समझ नहीं आती, उनको भी डीसी वाले भी बेचारे समझते कि यार अब ये क्या करेंगे, ये ऐसे नॉन प्रेडिक्टेबल है कि जाते सिर्फ डॉलर के पीछे और तो तीसरा इंटरेस्ट ही कोई नहीं। ये सर ये बताएं, वैसे छोटा सा एक मेरे जेहन में बार बार अक्सर सवाल आता है आपसे, इसका जवाब ले लेता हूँ, ये देखिए ना
चाइनीज प्रेसिडेंट जो है ना वो पिछले 10 सालों में एक दफा आए थे, 2001 से लेके 2010 में, 2011 से लेके 2020 तक एक दफा चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान आया, ये जो शी जिनपिंग है। अभी शायद अगले 10 सालों में कुछ चाइनीज प्रेसिडेंट आए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हर रोज भागे होते हैं, कोई 8 दफा तो इमरान खान साहब जा चुके हैं, कोई 15 दफा नवाज शरीफ गए थे, उससे पहले 15 दफा जो जरदारी साहब गए थे, ये क्या लेने जाते हैं वहां पे? वो तो आते नहीं है सर, ये क्या चक्कर है? ये तो ये क्या है? जी चीमा साहब, लेने वाले जाते हैं, देने वाले थोड़ी जाते हैं। देखो ना, चौधरी तो नहीं ना जाना किसी मुसली के घर, मुसलिया ना काम में जाना चौधरी के घर, चौधरी क्यों आएगा भाई? जब मांगने वाले जाते हैं, देने वाले तो नहीं जाते। अच्छा दूसरी बात है, आप हर चीज डिलीवर कर देते हैं उनके आने के बगैर ही, तो उनको आने की क्या जरूरत है? चीमा साहब ये मेरे ख्याल में तो जिस तरीके से देखे ना, वो शर्मन गई थी कुछ घंटों के लिए पाकिस्तान, वो भी जाके डांट टूट के निकल आई हो सके। और हम बात आए एयर स्पेस की भी, हमें क्या किया अड्डे अच्छा, देने जाएंगे। अच्छा मुईज़ यूसुफ़ साहब ने कहा कि हम ये नहीं, हमने इनकार नहीं किया अड्डे देने से, कोई रेट शेट चंगा दो अड्डे भी दे देंगे। उन्होंने वैसे उन्होंने अपना बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया, मैं बड़ा खुश हूं कि उन्होंने खुल के बातें की। उन्होंने कहा जी वो अड्डे उन्होंने मांगे नहीं है, लेकिन हमने इनकार भी नहीं किया। देखो वो कहते मेरे नोट बखा मेरा मूड पड़े, उन्होंने बात उसका एंड रिजल्ट यही था कि वो कहते को अच्छा रेट लगे तो हम अड्डे भी दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने इनकार नहीं किया अड्डों से या उन्हें, और बल्कि उनको अड्डों की अब जरूरत नहीं है। अड्डों की जरूरत हो तब तो वो रेट शेट लगाए, वो उनको हर चीज डिलीवर अब इंडिया कर देता है। अब ये बदकिस्मती आपकी, आप अभी वो कंटेनर देख रहे हैं, कंटेनरों में डॉलर आते थे जब आपको वो लगे हुए हैं, वो अब आते नहीं है क्योंकि उन्हें पता है कि आप डबल गेम करते हैं। आप कहते हैं ड्रोन भी मार लो, हम मुजम्मत भी करते रहेंगे, आप किस तरह की पॉलिसियां हर चीज में, तो वो किस तरह इंटरेस्ट करेंगे? तो दुआएं खैर ही हो सकती है। अभी तक तो मैं चीमा साहब जाती तौर पर पूछे, मैं स्टिल आई एम शॉक व्हाट हैपेंड इन मरी। और मैं सबसे बड़ा रिश्ता मेरा पाकिस्तान, मेरी मादरे मिलत है। जब आपकी माँ के कपड़े फट रहे हो, फाड़ रहे हो, लोग मार रहे हो 74 साल से, जख्मी कर रहे हो, उसको तो दुख तो होता है। मैं क्या करूं, मैं एक पाकिस्तानी हूं, मरूंगा पाकिस्तानी, जिंदा हूं पाकिस्तानी, लेकिन दुख है, इसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे सर, ये पाकिस्तानी जारी बात है, ये नेशनलिज्म, आप बार बार एक बात करते हैं तारड़ साहब के नेशनलिज्म है जो पाकिस्तान को सारे क्राइसिस से निकाल सकती है, ये कौम को इसी से, यही एक सहारा है कि हम कौमियत हमारे अंदर होनी चाहिए, तब जाके हमारे मसले हल होंगे। सिर्फ एक बात, इन लोगों को सिर्फ ये बंदा पूछे जो पाकिस्तानी, आज आप अगर इंडिया के अंदर होते तो फिर वहां उन्होंने ऑनलाइन बच्चियां ऑक्शन हो रहा है, वहां पे 20 करोड़ मुसलमानों की नस्ल कुशी की तैयारी की जा रही है, सिटीजनशिप एक्ट वहां बना दिया गया है। और इसको भी छोड़ दें, 1947 की, मैं चीमा साहब बचपन में 1947 की स्टोरियां पढ़ता था तो मैं रोता था कई दफा। 14 अगस्त 1947 जब 14 अगस्त होता था तो अखबारों में फीचर छपते थे, स्टोरियां छपती थी माजरीन की। उनसे जरा पूछे पाकिस्तान की कदर क्या है, उनसे पूछे। ये जो दरिंदे जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं, इनसे ये पूछें कि 14 अगस्त 1947 उस दिन क्या हुआ था, या ये बनाने की पाकिस्तान की जरूरत क्यों समझी गई थी, या फिर उनसे पूछे जिनकी